सरकारी स्कूलों की बदहाली तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन एक ऐसा स्कूल जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं और ये स्कूल आकर्षण का केंद्र बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके के स्कूल की, जहाँ केंद्र सरकार ने स्कूल भवन में ऐसी पेंटिंग करा डाली कि अब ये स्कूल अपने आप में रेलनुमा मॉडल बन गया है। सरकार भले ही शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, लेकिन स्कूल में बच्चों के दाखिले की मुहिम पीछे ही चल रही थी। लेकिन इस पेंटिंग के जरिए स्कूल में बच्चों की संख्या अब जरूर बढ़ जाएगी। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। अनुज जी, स्कूल के अंदर जो रेलवे का डिब्बा बना है, क्या मामला है? सर, ये केंद्र सरकार की योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है। इससे जो है बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और गांव से बच्चे देखने आ रहे हैं, माँ बाप भी बच्चों को ला रहे हैं, स्कूल दिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छी रुचि हो रही है बच्चों की स्कूल आने में। हमारे बच्चों के स्कूल की संख्या भी बढ़ी है। स्कूल का नाम क्या है पूरा, किस क्षेत्र में आता है? जी, दाऊदपुर नहर नाम है और ये ब्लॉक नजीबाबाद में आता है, जिला बिजनौर में। बहुत ही अच्छी पेंटिंग करी है। और वो भी क्यों ना, बच्चे भी तो खूब खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं। केंद्र सरकार पिछले कई सालों से इस बात से चिंता में थी कि आखिर सरकारी स्कूलों में दाखिले कम क्यों रहते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रेलनुमा डिब्बे की पेंटिंग कर इनकी सूरत ही बदल दी। स्कूल मॉडल को देखने के लिए लोगों का तांता भी लग रहा है, साथ ही बच्चों की तादाद भी बढ़ रही है। संजीता अंसारी जी, स्कूल में जो रेलवे का डिब्बा बना है, ये पूरा मामला क्या है? ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ताकि बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, जो खेलते रहते हैं गांव में, तो वो यहाँ आए खेले। बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं, गार्जियन अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं दिखाने के लिए कि ये रेलवे स्टेशन जैसा बन चुका है, तो आकर्षण का केंद्र तो बन ही चुका है। रेलनुमा स्कूल मॉडल बनने के बाद आगामी सत्र में बच्चों के दाखिले बढ़ने की उम्मीद जरूर जगती नजर आ रही है। अगर इसी तरह से सरकारी स्कूलों में बदलाव किया जाए तो बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़ सरकारी स्कूलों में जरूर पढ़ने जाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये रेलनुमा स्कूल? आप क्या सोचते हैं इस नई मुहिम के बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।